हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने बाइसेप्स का साइज बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं और ये एक बॉडी वेट एक्सरसाइज होगी। अब दोस्तों, बॉडी वेट एक्सरसाइज क्या होती है? जब आप किसी भी एक्सरसाइज को अपनी सिर्फ बॉडी के वेट से परफॉर्म करते हैं तो उसे बॉडी वेट एक्सरसाइज कहते हैं। अब दोस्तों, ये बॉडी वेट एक्सरसाइज जब भी आप करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपकी बॉडी में कितनी जल्दी ग्रोथ होती है, तो इसलिए ये एक्सरसाइज तो आपको बिल्कुल करनी ही चाहिए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जब वो बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं तो बाइसेप्स को सही से ट्रेन नहीं करते हैं। अब अगर आप बाइसेप्स को सही से ट्रेन नहीं करोगे तो वो ग्रो कैसे होगा? तो इसलिए आपको बाइसेप्स को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करना है और उसके बाद जब आप एक हैवी वर्कआउट बाइसेप्स का लगा लो तो उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। उससे पहले बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया तो साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। अब आपको करना क्या है, जब आप बाइसेप्स का पूरा वर्कआउट कर लें, बहुत ही हैवी वर्कआउट आपको करना है, जितना ज़्यादा आप रैप्स निकाल सकते हैं उतना ज़्यादा आप रैप्स निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा लोड डालें अपने बाइसेप्स पर, तभी आपको फायदा मिलने वाला है। और दूसरा, उसके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फोकस रखना है बाइसेप्स पर, और जितना आप मज़े के साथ वर्कआउट करेंगे बाइसेप्स को फोकस करके करेंगे उतनी ही जल्दी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये है बाइसेप्स की पुशअप्स। अब बाइसेप्स पुशअप्स किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा क्लोज रखना है, मतलब पास रखना है, और ये यहाँ पर डायमंड शेप में अपने हाथों को नहीं रखना है, क्योंकि जब आप अगर डायमंड शेप में रख लोगे तो इससे आपकी ट्राइसेप्स ज़्यादा टारगेट होगी। आपको अपने हाथों को थोड़ा पास रखना है जिससे आपका बाइसेप्स टारगेट होगा। अब इसे करना किस टाइम पर और किस तरीके से करना है, जब आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लो तो इस टाइम पर आपको बहुत ही ज़्यादा आप फील करोगे अपने बाइसेप्स को। आपको पुशअप्स लगाने जब आप वर्कआउट कर लो, तो उसके बाद इसे अगर आप वर्कआउट के बाद लगाओगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा इंक्रीज होगी और आपकी मसल्स की ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा होगी। अब इसके सेट कितने लगाने हैं, तो इसके सेट लगाने हैं आपको कम से कम 3 सेट लगाने हैं, और पहले सेट में कम से कम आप 12 से 15 रैप्स निकालने की कोशिश कीजिए। जो बिगनर हैं अगर वो इतने नहीं लगा सकते हैं तो वो थोड़े कम लगाइए, पर जिनकी कैपेसिटी है इससे भी ज़्यादा लगाने की तो वो इससे भी ज़्यादा लगा सकते हैं आप, क्योंकि जितने आप ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अगर आप ज़्यादा लगा पा रहे हैं तो आप अपनी पीठ पर कुछ वेट रख सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा और थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपकी बाइसेप्स पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। इसके साथ सबसे ज़्यादा आपको ये फील करना है कि आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज लगा रहे हैं, मतलब मसल माइंड कनेक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो अपने बाइसेप्स को सबसे ज़्यादा फील कर रहे हैं और ऐसा पंपिंग बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। और दोस्तों, जब आपके बाइसेप्स में पंपिंग आएगी तो समझ लीजिए ग्रोथ होने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ गए। तो आप इस तरीके से पुशअप्स लगाइए और 3 सेट लगाइए कम से कम, दूसरे सेट में आप कम से कम 10 रैप निकालिए, थर्ड सेट में आप कम से कम 8 या 6 अगर इतने पुशअप्स लगा सकते हैं तो लगाइए। बिगनर हो तो चाहे कम लगाइए पर लगाइए जरूर, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा और आप खुद देखेंगे बॉडी में कुछ दिनों में चेंजेस कितने आने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाइट को बिल्कुल मत भूलना, अगर डाइट को भूल गए तो समझो पूरी बॉडी खल्लास, तो डाइट बिल्कुल मत भूलना। डाइट की बहुत वीडियो है, वेट गेन वीडियो, आप उन्हें देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लें और शेयर तो इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करें।